6 इसमें आप पढ़ने वाले पौधों में एपिडर्मिस से क्या लाभ है। ठीक है, देखिए इसका आंसर पहले आप हेडिंग डाल लेना। ठीक है, हेडिंग में एपिडर्मिस, ठीक है, इसकी डेफिनेशन देखना। यह कोशिका की सबसे बाहरी परत होती है जो मोम जैसी जल प्रतिरोधी परत के रूप में कोशिका के चारों ओर होती है। ठीक है, पौधों में एपिडर्मिस से निम्न लाभ होते हैं कौन कौन से हैं वो देखना। पहला, इनसे पौधों के सभी भागों की रक्षा होती है। ठीक है, जो पौधों में एक चिकनाहट जैसी लेयर पाई जाती है वो एपिडर्मिस होती है। अगर ये होगी तो पौधों की क्या होगी, सभी भागों की सुरक्षा होगी। दूसरा, ये जल के क्षय के विरुद्ध यांत्रिक आघात को रोकती है। अगर पौधों में मान लीजिए जल की कमी हो जाए तब अगर कोई आघात होते हैं पौधों में, कोई बीमारी होती है, तो उनसे भी सुरक्षा करती है। ठीक है, अगला देखें, ये परजीवी कवक के प्रवेश को रोकती है। ठीक ना, ये जो कवक फंजाई वगैरह होते हैं इनके भी प्रवेश को रोक देती है। ठीक ना, जिससे पौधों की सुरक्षा हमेशा